अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे मटन के कीमे के कोफ्ते। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मटन कीमा। कीमे को अच्छे से धोकर आधे से एक घंटे के लिए छन्नी में रख देंगे ताकि उसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए। ये बहुत ज़रूरी है अच्छे कोफ्ते बनाने के लिए। अब इस कीमे को मिक्सी में बारीक कर लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने बारीक कर लिया है कीमे को मिक्सी में चला के। कोफ्ते के लिए हमें चाहिए एक कटोरी भुना चना पिसा हुआ, आधा कटोरी काजू का पेस्ट, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ सूखे मसाले जैसे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया, नमक और एक कटोरी तली हुई प्याज। यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक, पुदीना और हरी मिर्ची, इसकी स्टफिंग करेंगे कोफ्ते के अंदर। तो इन्हें छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ में। अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच काजू का पेस्ट, सूखे मसाले, भुना हुआ चना उसका पाउडर, सभी चीज़ों को मिक्स करके एक कटोरी तली हुई प्याज, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों में तेल लगाकर छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्तों के अंदर स्टफिंग करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, पुदीना और हरी मिर्च की। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बनने के बाद स्टफिंग का। इसी तरीके से सारे कोफ्ते बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके कोफ्तों को फ्राई करेंगे। दो तीन मिनट में ही कोफ्ते हमारे फ्राई हो जाएंगे, हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे अभी पके नहीं हैं, इसको हम ग्रेवी में पकाएंगे। अभी से बाहर की लेयर को थोड़ा सा हार्ड कर लिया है ताकि ये फूटे नहीं सालन में। अब सालन के लिए हमें चाहिए यहाँ पर चार पांच मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन, काजू, खसखस और बादाम को पानी में भिगो के पेस्ट बना लेंगे। अदरक लहसुन और प्याज का भी पेस्ट बना लेंगे। कुछ खड़े गरम मसाले, शाहजीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, इसके अलावा दो चम्मच दही और कुछ सूखे मसाले जैसे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और छोटा टीस्पून गरम मसाला। सभी चीज़ों को पीसकर पेस्ट बना लेते हैं। अब एक पैन में तेल गरम करके खड़े गरम मसाले डालेंगे। फिर इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पिसी हुई प्याज, जो प्याज का पेस्ट बनाया था, उसे डालकर दो मिनट भूनेंगे। अब इसमें सभी सूखे हुए मसाले डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक भूनना है। मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, मसाले में से तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर दो चम्मच दही, काजू का पेस्ट दोनों को डालकर 5 मिनट और भूनेंगे और डेढ़ गिलास पानी डालेंगे। यहाँ पर मेरा वीडियो थोड़ा सा बन नहीं पाया है। ये देखिए पानी में अब उबाल आ चुकी है। तो जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाती है तब हम इसमें हमारे कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद हमें इसको मीडियम से लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक पकाना है। ध्यान रखेंगे कि कोफ्तों को बीच में चलाना नहीं है ज़्यादा, बीच में एक या दो बार हल्का सा चला सकते हैं, कोफ्ते टूटे नहीं इसका ख्याल रखेंगे। इसे इसको ढक के 30 से 35 मिनट पका लीजिए। ये देखिए ग्रेवी भी कितनी स्मूथ हो गई है। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे।
स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अभी कोयला मेरे पास नहीं था, तो मैंने नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है ब्राउन वाला, उसको जला के भी कोयले की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसको गर्म करके रखेंगे, इसमें एक चम्मच घी डाल के इसको ढक दीजिए। 10 मिनट के लिए इसको ढका रहने दीजिए। 10 मिनट बाद हमारे कोफ्ते सर्व करने के लिए रेडी हैं। बहुत ही अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। अंदर की जो स्टफिंग है वो भी बहुत अच्छी लगती है, और जो इसमें अभी स्मोकी खुशबू आ रही है, स्मोकी फ्लेवर्स की, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएँ ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ भी आपको टाइम पर मिलते रहें।